यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे हमारी टेंस की सीरीज में अगला टेंस, और हमारा आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले पहचाने कैसे, क्योंकि सबसे पहली चीज ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे पहचाने, तो पहचान के लिए याद रखना हिंदी वाक्य के अंत, इसके वाक्य के अंत में किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, चुका हूं। अगर ये सब आपको मिलता है तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्लियर कर लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और क्या मिलेगा आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो एग्जाम्पल है बच्चों, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। मोहन गीत गा चुका है, मोहन गीत गा चुका है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में चुका है आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सीता लिख दूं तो सीता खाना खा चुकी आ जाएगा। तो यस या नो, हम गीत गा चुके हैं आ जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। उसके बाद अब जो है अगली चीज समझने के लिए और करने के लिए क्या है, अब हमें सीखने इसके सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर, तो आइए सीखते हैं इसके सीक्वेंस या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो अफर्मेटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव, और उसके बाद इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और फिर होता है आपका डब्ल्यूएच वर्ड, और फिर डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर्स आपके रहने वाले हैं चाहे टेंस कोई भी हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लें, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब होती है और हैव। ठीक है, यदि आई हो सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, ठीक है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, है, इसका यूज रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना कोई भी परफेक्ट टेंस होता है ना, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जैसे कोई भी कंटीन्यूअस टेंस उसमें वी फोर का यूज होता है, उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो अफर्मेटिव में हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएं, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एज या हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्रीपोजिशन रहेगी, एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप रहेगा। नेगेटिव की बात करूं तो एज या हैव रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। इंटरोगेटिव की बात करूं तो एज या हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाकी सेम रहेगा, लास्ट ऑब्जेक्ट का शुमार आ जाएगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में
हेल्थ और स्ट्रक्चर को समझे, तो हेल्थ और हेल्प के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट आ जाएगा और वर्ब भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड की मैं बात करूँ बच्चों, तो डब्ल्यू एच वर्ड में यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब भी थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव की बात करूँ तो हैज या है तो नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस है नॉट प्लस ये सब सीक्वेंसेस रहेंगे यहाँ पे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब मैं आपके सामने बड़ा धमाका करने वाला, एक ऐसी जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको आज से पहले कभी ना मालूम थी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, वो आप सभी के साथ साझा करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें काम पास्ट में कंप्लीट होता है, एक्शन कब कंप्लीट होता है? पास्ट में। और इफेक्ट किस पे आता है? प्रेजेंट पे। इफेक्ट किस पे आता है? प्रेजेंट पे। ठीक है, यदि काम आपका पास्ट में कंप्लीट हुआ है और इफेक्ट उसका प्रेजेंट पे आया, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो जानकार हैं, जो लैंग्वेज के जानकार हैं, वो आपसे ये सवाल कर लेते हैं अक्सर कि आप मुझे ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट कब होता है। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट नाम सुनते ही हम क्या कहेंगे कि एक्शन काम प्रेजेंट में कंप्लीट होता है, यस या नो? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। किस पे कंप्लीट होता है? एक्शन है पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे आता है? प्रेजेंट पे आता है। क्लियर है? जैसे हाँ, आई हैव टॉट टू यू, आई हैव टॉट टू यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अभी मैंने एक फैक्ट पढ़ाया था, यस या नो? और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था, सबसे बड़ा जिसको मैं कहूँ, जो अभी मैंने रिवील किया, जो उजागर किया आप सबके सामने, सबसे बड़ा फैक्ट वो यही तो था। ये काम मैंने कब किया? पास्ट में किया। इफेक्ट किस पे आया? प्रेजेंट पे आया। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है समझते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, और अभी आगे जो है मैं सीरीज कर रहा हूँ, और यहाँ हम सीखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? यूजेस, यूजेस क्या क्या है इसके? तो सबसे पहला ये तो समझ में आ गया कि एक्शन कब कंप्लीट होगा, एक्ट कब कंप्लीट होगा? पास्ट में। और इफेक्ट किस पे आएगा? इफेक्ट किस पे आएगा? प्रेजेंट पे। ठीक है, ओके। अब जैसे कमेंट्री में भी होता है, कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कमेंट्री होती है, यस या नो? अब दिस टाइम दस टाइम सो है डॉक्टर बॉल टू टेंडुलकर गोज बैक फुट कट्स द बॉल हैंडसमली डाउन द ग्राउंड, द बॉल रेसेस टू द बाउंड्री लाइन फॉर फोर, इंडिया बॉल्स विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री फोर विदाउट लॉस एंड सचिन टेंडुलकर ओपन्स हिज अकाउंट। नाउ एज नेक्स्ट लवरी इन दिस आवर सो है डॉक्टर ब्रॉट बैक नेक्स्ट टाइम दिस आवर टू Tendulkar. This time, oh my goodness, the ball takes left in a race, goes to third slip, and Benjamin Mulak makes no mistake, and India loses its first wicket. India loses its first wicket, and that's the bad news for all of the listeners and the viewers of Team India, that India has lost its first wicket. India has lost its first wicket. ये मैंने बाद में बोला, इससे पहले कैच भी हो चुका था वहाँ पे सचिन तेंदुलकर की जो जो बॉल किनारा लेके गई वो कॉट हो चुकी थी,
लेकिन उसके बाद ये मैंने बोला सचिन तेंदुलकर हैज गॉन, एक्शन कब कंप्लीट हुआ, पास्ट में, इफेक्ट किस पे आया, क्लियर है। उसके बाद जो एक्शन बच्चों रिसेंटली हुआ, यानी एक्शन जो रिसेंटली हुआ हो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट, ठीक है, एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंटली, हाँ भाई हाल में कोई काम पूरा हुआ हो तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और उसके लिए आपको कुछ वर्ड लिखने, आप सभी ये वर्ड्स को लिख के रख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, और ये वर्ड यदि आपको डायरेक्ट मिलते हैं तो आप क्या लगा देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देना। पहला वर्ड है येट, उसके बाद एज येट, येट एज येट, फिर है जस्ट, और फिर है जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, उसके बाद है ऑलरेडी, ऑलरेडी, उसके बाद है ऑलरेडी, फिर है वंस, ट्वाइस, फिर है थ्राइस, फिर है थ्राइस, हाँ, उसके बाद सीन्स और एवर सीन्स, एवर सीन्स, ठीक है, सीन्स एवर सीन्स और सो फार, और लास्ट रिप्रेजेंट, अगर ये सब आपको मिलता है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो ये रिसेंट एक्शन को शो करें, इसको शेप करेंगे रिसेंट एक्ट को शो करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये रिसेंट एक्ट को मेंशन करने वाले वर्ड्स, ठीक है, रिसेंट एक्ट क्या होता है, हाल में हुआ हुआ कार्य, हाल में ही पूरा हुआ कार्य, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है आई आई, उसके बाद हैवेंट, आई हैवेंट कॉल्ड हिम yet, I haven't called him yet, कौन सा टेंस है, present perfect tense है, last में yet आया हुआ है, तो yes या no, yes, last में yet आया हुआ है, okay, उसके बाद I have watched, I have watched this movie, I have watched this movie once, हाँ, मैं एक बार इस मूवी को देख चुका हूँ, देखो once आया हुआ है, लास्ट में आया हुआ है, पजल परफेक्ट लगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट, आप बच्चों आगे देखिए, सीन्स और फोर, सीन्स और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम क्लियर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक क्या है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ जो टाइम है, ठीक है, इन दोनों का यूज
वैसे काम किया जाता है, इन दोनों का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। यानी पीसी परफेक्ट कंटीन्यूअस की कोई भी सीरीज हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इन दोनों का यूज वहां पे किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। जैसे I have done this job since 1949. 1949 से, अब इसके सेंस क्या है, 1949 से मैं ये काम कर चुका हूँ, कर चुका हूँ। एक्चुअल में ये लगता है किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन सिंस और फॉर का यूज भी, सिंस और फॉर का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट की सीरीज में गलत नहीं है, ठीक है। यानी सिंस और फॉर का यूज भी परफेक्ट की सीरीज में होगा, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस की सीरीज में तो मैंडेटरी रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये सेंटेंस मैंने लिखा ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, क्यों, सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर, किस काम को दिखाने के लिए, कि भूतकाल से कोई काम शुरू हुआ और वर्तमान तक चल रहा था। इज दैट क्लियर, यही तो दिखाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, कोई परफेक्ट कंटीन्यूअस की सीरीज में, तो क्लियर है। सिंस फॉर का यूज हम किसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, हालांकि एक्शन कंप्लीट पास्ट में होता है और इफेक्ट प्रेजेंट पे आता है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर सकते, वो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज नहीं कर सकते, वो एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं यूज कर सकते जो पास्ट को इंडिकेट करती है, जो किसको करती है, पास्ट को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब जैसे पास्ट को इंडिकेट करने वाली वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यस्टरडे, क्या है, यस्टरडे, ठीक है। अब है आई हैव टेलीफोन, आई हैव टेलीफोन हिम, यहाँ पे मैं हिम लिख देता हूँ, आई हैव टेलीफोन हिम यस्टरडे, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, क्यों, ये एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे यूज नहीं की जाएगी जो पास्ट को इंडिकेटिंग करने वाली होगी। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद हाँ, कुछ वर्ब ऐसी हैं, मैंने आपको पहले लिखवाया था बच्चों, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको वर्ब ऑफ परसेप्शन कहा जाता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग और वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ इमोशन, थिंकिंग इमोशन, हाँ। आप मेरे पुराने लेक्चर्स में आपने सीखा होगा इन वर्ब्स के बारे में, और मैंने आपको सारी वर्ब्स लिखवाई भी थी, यस या नो, उन वर्ब्स के साथ क्या यूज नहीं होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज नहीं होगा, उसके स्थान पे किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। अब जैसे आई हैव नॉन हिम, ये इसका सही यूज है। अब आई हैव बीन नोइंग हिम, ये गलत हो जाएगा ये सेंटेंस, क्यों, क्योंकि नो जो वर्ब है ये उन्हीं वर्ब्स में आती है, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। आपको याद होगा बच्चों, मैंने ये सिखाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, बाकायदा आपको लिस्ट में इनवाइट उन वर्ब्स की लिस्ट आपको दी गई है, उन वर्ब्स की, ठीक है। आप मेरे पुराने लेक्चर्स और पुराने वीडियो में भी ये देख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। वहां मैंने आपको रिकमेंड किया
यहाँ कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उन्हीं वर्ब्स के लिए यहाँ कौन सा टेंस रिकमेंड कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज दैट क्लियर? ठीक है, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा, जीरो से लेकर एडवांस तक मैंने आपको सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को थम्स अप कीजिए और आप सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यही था आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।